नमस्कार भैया, राम राम, कैसे हैं आप लोग? लोकसभा चुनाव से पहले भैया सब पार्टी के नेता लोग अपना अपना गोलबंदी में जुटे हैं। केहू कहीं बैठक कर रहा है तो केहू कहीं, मन में फुल कसरत जारी है। ताजा कसरत 23 जून को पटना में होने वाली है, जो नीतीश कुमार की पहल पे हो रही है। लेकिन विपक्ष की बैठक से पहले मायावती ने ऐसा दांव खेला है कि पटना में बैठे बैठे नीतीश बाबू की धुकधुकी पक्का बढ़ जाएगी। का है पूरा मामला बताएंगे, बाकी भैयाओं से पहले आपको दो को काम करना है। पहला काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो ऊपर घंटिया दिख रहा है भैया उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारा हर बवाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो भैया मुद्दा पर आते हैं, वो कहा है कि सरकार के 9 साल पूरा होने वाले हैं और जल्दी दूसरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा। दो गो चुनाव में विपक्ष ने खूब उछल कूद की, लेकिन नतीजा रहा ढाक के 3-5। अब विपक्षी नेताओं को बुझाइए नहीं रहा कि मोदी को हराने के लिए करे तो क्या करे। कई नेता लोग गठबंधन का जुगाड़ में है, कबो कोई कहीं बैठक कर रहा है, कबो कहीं। एक कड़ी में नीतीश बाबू ने पटना में बैठक बुलाई है, बैठक होनी है 23 जून को। कहा जा रहा है कि बड़का बड़का नेता पहुंचेंगे वहां, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, KCR, जिसे कई नेता लोग के आने के बाद पक्का हो चुका है। नीतीश कुमार पहले में कह चुके हैं कि बिना कांग्रेस के कोनो गठबंधन कामयाब नहीं होगा, तो हो सकता है कांग्रेस के कोनो नेता भी जरूर पहुंचे। लेकिन भैया इस सारा कवायद ऐसा है कि बारात तैयार है, दूल्हा का पता नहीं। यह वजह कि कई पार्टी के नेता लोग बैठक से कन्नी भी काट रहे हैं। वो अलग बात है कि ऐसा गोलबंदी में एगो बात कई बार कही गई कि पहले बारात सज जाए, दूल्हा तो ब्याह बात तय कर लेगी। अब बताइए ना भैया, ये कोई बात हुई भला? बहन जी यह बतिया पकड़ ली, उन्हें पता है कि बिना मतलब उछल कूद का कोनो फायदा नहीं। इसलिए पटना की बैठक से पहले बहन जी ने अपनी पार्टी का एक बड़का बैठक 21 जून को बुला लिया है। बहन जी ने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश और देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे संबंधित खास घटनाक्रमों और समीकरणों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर BSP UP स्टेट, सभी मंडल, सभी जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक बुधवार को लखनऊ में बुलाया गया है। तो भैया ट्वीट के बाद तो पक्का है कि नीतीश बाबू और दूसरा विपक्षी नेता लोग का धुकधुकी बढ़ गया होगा। काहे कि उन्हें भी पता है कि बहन जी अपना धुन की पक्की है और यूपी में कोनो गठबंधन उनका बिना कामयाब नहीं। कहें कि बहन जी अगर अकेले पूरा ताकत से लड़ गई तो यकीन मानिए BJP का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मिट्टी जरूर परीद हो जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। वो हमारे सुखू चचा कह रहे थे कि बहन जी बहुत सयानी है, उन्हें पता है कि अकेले लड़ेंगी तो जवन क्रेडिट होगा उनको अकेले मिलेगा। हम सोच रहे थे कि आजमगढ़ उपचुनाव में जवन खेला बहन जी ने किया, अगर वो खेला आम चुनाव में हो गया तो जनता पक्का विपक्ष से पूछेगी, अब तेरा क्या होगा कालिया, है ना। नमस्कार।